हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी ने फिर सत्ता में आई सरकार बनाई, हिमाचल प्रदेश, गुजरात में भी पहले से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में आई। आम आदमी पार्टी अपने पंजाब में देखी, 3 महीने में 70 से ज्यादा हत्याएं हुई, कानून व्यवस्था चरमरा गई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन लड़ने की बात करते थे, उनके 2 महीने के अंदर स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा हो गया भ्रष्टाचार के चलते। रन फॉर यूनिटी आज देश भर में मनाया जा रहा है और 147वीं जयंती जो सरदार पटेल जी की है, एक ऐसी महान विभूति जिन्होंने न देश को आजादी दिलाई बल्कि देश को आजादी के बाद एक सूत्र में बांधने का काम, एक आधुनिक भारत का, एक सशक्त भारत की जिन्होंने नींव रखी, लोह पुरुष सरदार पटेल को विनम्र जहां हम श्रद्धांजलि भी देते हैं, एकता और एकजुटता को आगे बढ़ाने का प्रण भी लेते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत इस सोच को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और आज देश भर में 75,000 से ज़्यादा स्थानों पर रन फॉर यूनिटी हो रहा है, एकता दौड़ हो रही है, ताकि आज का युवा राष्ट्र निर्माण में भी लगे और राष्ट्र को मजबूत करने में भी लगे। मुझे खुशी है IISER में मोहाली में नेहरू युवा केंद्र संगठन और हमारे नेशनल सर्विस स्कीम के सभी वॉलंटियर्स ने, लगभग 1200 से ज़्यादा वॉलंटियर्स यहाँ पर हैं जो प्लॉग रन करेंगे, एकता दौड़ भी करेंगे, स्वच्छता अभियान भी करेंगे। हमने कहा था 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक, गांधी जयंती से सरदार पटेल की जयंती तक 100 लाख किलो प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करेंगे। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, हमने अब तक 208 लाख किलो प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा किया है। ये अपने आप में दिखाता है कि युवा स्वच्छता अभियान से जुड़े हैं, देश को स्वच्छ, सुंदर, सशक्त बनाने के लिए युवा तैयार है। और प्रधानमंत्री जी की सोच कि अमृतकाल में देश को आगे लेकर जाएंगे, सशक्त बनाएंगे, सारे युवा देश को महान और सशक्त बनाने के लिए तैयार हैं। सर, हिमाचल में भी इलेक्शन चल रहे हैं, बिल्कुल इलेक्शन से पर और चुनाव प्रचार भी पूरी जोरों पर चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी ने फिर सत्ता में आई सरकार बनाई, हिमाचल प्रदेश, गुजरात में भी पहले से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में फिर आई। आम आदमी पार्टी अपने पंजाब में देख ली, 3 महीने में 70 से ज्यादा हत्याएं हुई, कानून व्यवस्था चरमरा गई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन लड़ने की बात करते थे, उनके 2 महीने के अंदर स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा हो गया भ्रष्टाचार के चलते। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं भ्रष्टाचार के चलते। दिल्ली के शिक्षा मंत्री गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में मुख्य आरोपी हैं शराब घोटाले में, और किंग पिन है अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के। एक के बाद दूसरा घोटाला करने वाले अराजकता के प्रतीक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, जो अब अरविंद एड पार्टी बनकर रह गई है, केवल एडवर्टाइजमेंट पर पैसा खर्च करती है। आपदा के समय मदद करने की बजाय विज्ञापन देने में 1,000 करोड़ रुपया जिन्होंने खर्च कर दिया हो, आप कल्पना कर सकते हैं उनकी सोच क्या थी।